तो अभी हम SSD अपग्रेड करने वाले हैं, मतलब हाँ करने वाले हैं। और ये रहा SSD, बेसिकली अभी हार्ड डिस्क से SSD में कन्वर्ट करेंगे इसको, मतलब कन्वर्ट नहीं करेंगे भाई, मतलब रिप्लेस करेंगे। अबे यार इतना ब्लैक का हो गया। हाँ, और ये 2.5 इंच साटा 3 SSD है, और मेरे ख्याल से ये जो भी है पता नहीं कौन सा था। और हाँ, तो फिलहाल पहले क्या करना था, पहले करना है SSD अपग्रेड करने के बाद फिर से सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए पहले एक बूटेबल USB बनाना पड़ेगा। तो ये मेरा बूटेबल USB की तरह काम करेगा। चलिए इसको पहले बूटेबल बनाया जाए, टेरी की घुस जाए इसमें। उसके बाद हम इसको बूटेबल बना लेते हैं, ठीक है। और अभी हम इसमें एलिमेंट्री OS इंस्टॉल करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल इसमें इंस्टॉल है, कौन सा इंस्टॉल है अभी इसमें से, फ़िलहाल आर्च लिनक्स इंस्टॉल है मेरे ख्याल से, आर्च ही होना चाहिए, है ना। अबाउट अबाउट सिस्टम, अरे यार ये तो जीनोम डेस्कटॉप दिखा रहा है सिर्फ, एक्चुअली में इसमें आर्च इंस्टॉल है समझे। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आर्च लिनक्स बिल्ड आईली रनिंग, और इसमें ग्राफिक्स है 520 HD, जो भी है फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या है। तो अभी हम ISO डाउनलोड कर चुके हैं उसका, एलिमेंट्री OS का यहाँ पे है ISO। और ये रहा बलिना इचर, जो भी है बेलिना इचर पता नहीं क्या नाम है इसका। और USB लगा चुके हैं, और अभी हम इसको करेंगे फ्लैश। फ्लैश ओपन हो जाए, चलो ओपन हो गया। अब ISO सेलेक्ट करेंगे, ISO में ये रहा ISO, और उसके बाद एंटर मार देंगे। यहाँ पे ओके का बटन नहीं दिख रहा है। हाँ, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया, ये आर्च का एक्चुअली में आर्च लिनक्स का ISO था। तो कंटिन्यू पे क्लिक करके, फ्लैश पे क्लिक करके, स्टार्टिंग 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 स्टार्टिंग, हाँ 1% फ्लैशिंग, 99 फिनिशिंग, वैलिडेटिंग हो गया। चलो होते जाओ अनमाउंटिंग। अच्छा, कंप्लीट। अब बेसिकली काम इतना है कि USB का बेसिकली बूटेबल USB तैयार हो चुका है। हम लोग करेंगे सिस्टम को बेसिकली शट डाउन, और हम लोग करेंगे उसके बाद, मतलब हम लोग फ़िलहाल तो हम ही हैं यहाँ पे। उसके बाद करेंगे इसको, इसको खोलेंगे इस लैपटॉप को, और उसके बाद इसको हार्ड डिस्क की जगह SSD लगाएंगे। और ये लंबा प्रोसेस होगा, तो इसके लिए हम ट्राईपॉड पे लगा देंगे बेसिकली फ़ोन को। अबे यार फोकस, हाँ ट्राईपॉड पे लगा देंगे। उसके बाद इसको खोल खाल के जो भी करना है करेंगे, और बैटरी भी डाउन है फ़ोन का, तो इसके लिए पहले इसको चार्ज में भी साथ में लगा देंगे। चलिए शुरू किया जाए। Thank you.
तो लैपटॉप का इंटरनल पार्ट यही है, और अभी हम लोग इसको बेसिकली ये हार्ड ड्राइव है और इसी को अपग्रेड करके एसएसडी में, कहाँ गया मेरा, ये रहा, इसको इससे रिप्लेस करेंगे। सेम साइज़ है, सेम साइज़ है ना भाई, अगर नहीं हुआ तो बैंड बज जाएगा मेरा। उसके बाद इसमें रैम, हाँ ठीक है, हम डर गए अभी, हमको लगा शायद यहाँ पे कोई रैम है ही नहीं, यहाँ पे दो रैम है, ये भी क्रूशियल का है, ये भी क्रूशियल का है। क्रूशियल चूज़ करने का रीज़न ये था कि मतलब पता नहीं क्यों ये सस्ता बनाता है और अच्छा मतलब प्रोडक्ट इसका होता है जनरली, मतलब इसी मतलब सेम स्पेसिफिकेशन का और सेम स्पीड का, इवन बेंचमार्क करने के बाद भी सेम ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन का अगर एसएसडी खरीदने जाते सैमसंग का, तो ऑफ कोर्स मतलब थोड़ा महंगा पड़ जाता है, तो इसीलिए हम ये लिए। और सबसे बड़ी बात है इसका कि मतलब नॉर्मली एसएसडी में 3 साल का वारंटी होता है और इसका 5 साल का वारंटी है, क्योंकि कभी भी आप खरीदने जाइएगा ना एसएसडी, तो एक बात नोटिस किया, मतलब पता नहीं कभी नोटिस किए होगे कि नहीं, हम तो नोटिस किए हैं कि भाई मतलब कभी कभी 200 यहाँ पे 40 होता है, ठीक है, या 30 होता है, तो 240 होगा उसका करीब 1,000-2,000 दाम होगा, ठीक है, मतलब प्राइसिंग, फिर 250 हो जाएगा तो सीधे 5,000 पहुंच जाएगा, और वही 250 की जगह 260 हो जाए, 260 GB हो जाए SSD, तो करीब वो 8-9 हज़ार पहुंच जाता है, मतलब हर हर कंपनी के केस में। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, वो एक्चुअली में होता है कि मतलब टेक्नोलॉजी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे लगता है आदमी को कि 10 GB के लिए हम काहे ला उतना पैसा बर्बाद करें, लेकिन एक्चुअली में उतना 10 GB के लिए सीधा दुगुना दाम इसलिए हो जाता है क्योंकि वैसे केस में यहाँ पे सिर्फ बात प्राइसिंग मतलब स्टोरेज का नहीं होता, वहाँ पे स्पीड और बेहतर क्वालिटी का हो जाता है। तो क्रूसियल का ही नॉर्मल अगर SSD लीजिएगा तो बेसिक, ये जो मेरे हाथ में भी SSD है वो क्रूसियल का सबसे महंगा SSD है, मतलब जो ओवर द टॉप है, हालांकि स्टोरेज इसका 250 GB है, लेकिन सबसे महंगा अगर क्रूशियल का कोई SSD है तो इस तरीके का दिखेगा, मतलब 250, पता नहीं इसका डब्बा कहाँ है, यही है MX500 2.5 इंच SSD, क्रूशियल का, क्रूशियल के वेबसाइट से खरीदे तो, लेकिन उसके मतलब इससे ज़्यादा महंगा कुछ था ही नहीं, मतलब ये मैक्सिमम ओवर द टॉप सबसे स्पीड वाला जो भी कह लीजिए वो SSD है। और चलिए अपग्रेड किया जाए इसको, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए आपको जब खोल दिए तो इंट्रो भी दे देते हैं। ये है हमारा सीमोस बैटरी जो कि बेसिकली टाइम के लिए काम आता है, यहाँ पे दो रैम है, दोनों 8-8 GB का होगा, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है 8 GB, ये रहा 8 GB है क्या, हाँ ये रहा 8 GB लिखा हुआ है, देखिए 8, अरे यार फोकस नहीं हो रहा, दिख रहा है कि 8 GB उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन है 2 8 GB है, मतलब 16 GB रैम है। और ये हमारा है यहाँ पे ब्लूटूथ प्लस, लाइटिंग को क्या हो जाता है, हाँ ये हमारा है ब्लूटूथ, कौन सा वाईफाई कार्ड है ये, ब्लूटूथ, हाँ ये WLAN वाईफाई कार्ड है ये, और यहाँ पे ब्लूटूथ वाला शायद या तो इंटीग्रेटेड है या शायद यही है ब्लूटूथ वाला, या दोनों कंबाइंड हो सकता है कि दोनों कंबाइंड हो, कौन जाने, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि ये वायरलेस कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पे बैटरी का पिन हो गया, और यहाँ पे एक इसके नीचे, मतलब एक्चुअली में इसके नीचे इस बोर्ड के जस्ट नीचे, मतलब नीचे वाले पार्ट में एक प्लग होगा, वो होगा बेसिकली उसके लिए, इसके लिए हमारे सीडी रोम के लिए, एक्चुअली में यहाँ पे सोल्डर करना पड़ता है, मतलब यहाँ पे है नहीं क्योंकि ज़रूरत नहीं, ये बिना सीडी रोम के आया था, वैसे भी किसको ज़रूरत है आज के जमाने में, मतलब सीडी यहाँ पे होगा प्रोसेसर, और चूंकि इसमें GPU नहीं है, इंटीग्रेटेड है, तो बेसिकली ये रहा हीट पाइप, और यहाँ पे एग्जॉस्ट जो कि हमेशा नहीं चलता है, सिर्फ उस समय चलता है जिस समय बेसिकली इस पर ज़्यादा लोड पड़ता है, तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है इसमें, कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं है, मतलब क्या उम्मीद करते हैं ना सस्ता लैपटॉप से। उसके बाद यार मतलब इसमें दो स्क्रू, इसमें एक स्क्रू क्यों, और ये क्या है, अच्छा पावर है, तो चलिए अब हम इसको बेसिकली चेंज करते हैं। पहले तो देखें इसका पिन कौन सा है, मतलब स्क्रू, मतलब जो भी है ये है, और ये कि कौन सा है, नहीं इससे काम नहीं चलेगा, चलो बदला जाए इसको, ये वाला ठीक है, ठीक है वे यार, एक हाथ से लगाने बैंड बज जाएगा मेरा यार, फिर गिर गया,
चला जाए खोला जाए यारो। हाँ इसके लिए बड़ा हो रहा जैसा कि उम्मीद था, ये छोटा वाला मेरा गायब हो गया, कहीं गुम हो गया है, मतलब पता नहीं। ये वाला भी बड़ा ही होना चाहिए जैसा कि उम्मीद था, बड़ा हो रहा। छोटा वाला कहाँ है जी तुम? ये वाला ट्राई मारे ऐसे, हाँ ये हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ ये हो रहा है, चलो इसको ट्राई करते हैं। और हाँ एक और बात बता देते हैं, ये जो है यहाँ पे ये वाला पिन, मतलब ये वाला कनेक्टर एक्चुअली में ये है, यही है सेटा थ्री, मतलब पता नहीं सेटा थ्री तो एक्चुअली में ये है, मतलब ये लंबा चौड़ा जो है, लेकिन ये लैपटॉप में पता नहीं ये छोटा वाला दिया रहता है और उसको कन्वर्ट करके ये बड़ा वाला हो जाता है। पता नहीं क्या लॉजिक है इसका, जो भी रहे अच्छा लॉजिक है। तो हम लोग इस नट को खोलेंगे, इस नट को नहीं, जो अभी हम इस नट को खोलने वाले थे, जबकि ये हार्ड ड्राइव का नट है। पता नहीं दिमाग में क्या चलते रहता है। एक हाथ से कैमरा पकड़ के काम करेंगे और एक हाथ से नट खोलेंगे तो होगा ही नहीं, यही ना होगा यार। इसमें दोनों बाईपास हो रहा है, मतलब ये वाला देखते हैं, ये भी गया काम से, तीन था ना, एक और कहाँ गया? ये वाला अभी यार, ये ढीला था पहले से, पता नहीं कौन खोल के छोड़ दिया था, कौन खोल के छोड़ेगा क्या, पहले से खुला होगा। तो चलिए खुल रहा है, और उसके बाद ये वाला, एक हाथ से कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए यार, एक हाथ से कैमरा पकड़े हुए, एक हाथ से, तीन था क्या? चलो निकाल के देखते हैं, ये आ गया बाहर। ये क्या चिपका हुआ है भाई? स्पीकर अरे भाई साला हम इसको खोलना भूल गए हैं। और देखें यही होता है जब आप एक हाथ से कुछ और कर रहे हो और एक हाथ से कुछ और, इसको खोलना चाहिए था ना पहले, इतना नाजुक है, इसको हाथ से खोलना पड़ेगा। चलो खुल गया। अब करना ये है कि ये इनक्लोज़र निकाल के, और ये SSD निकाल, थोड़ा भारी SSD है, मेरा लैपटॉप थोड़ा सा हल्का भी हो जाएगा, और बेसिकली उसको इसके साथ रिप्लेस कर देना है। तो उसके लिए हमको करना ये है कि यहाँ पे बेसिकली इस साइड में और इस साइड में बेसिकली खोलना है। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं, उसके बाद खोलते हैं। तो लग चुका है हमारा, मतलब केसिंग में, केस में, और ये प्लग भी, प्लग बोलेंगे क्या इसको, पता नहीं, को भी सेटा कनेक्टर में लगा चुके हैं। और अब हम इसको मतलब लगा के, और उसके बाद इसका कवर लगा के, और उसके बाद हम इसको रीस्टार्ट करके, उसके बाद हमें नया नया फ्रेशली इस पर जो एलिमेंट्री OS इंस्टॉल करेंगे, राइट। तो चलिए इसको कवर किया जाए इसके बाद, और इसको बूट किया जाए। तो अभी हम सिस्टम को फ़िलहाल कीबोर्ड असेंबल किए हैं, और सिर्फ बैटरी अभी पूरा स्क्रू नहीं टाइट किए हैं, देख सकते हैं। और अभी हम बूट करने वाले हैं, तो देखते हैं कि अभी बूट होता है। वैसे इसमें कोई OS तो है नहीं कि मतलब बूट होगा एक तरीके से, तो बस चेक करेंगे कि SSD काम कर रहा है या नहीं। तो ये खुल गया, इसका मतलब ये नहीं कि SSD काम कर गया, ये खुल गया इसका मतलब ये है कि हमारा रैम और बेसिकली प्रोसेसर सही काम कर रहा है। अब चलिए पासवर्ड डाल के और F12 BIOS में जाके, ओ ये आर्स डिटेक्ट कर रहा है ना, एक्चुअली में ये मैनुअली हम डाले थे UEFI, मतलब जो भी है। तो बायोस में फिर से पासवर्ड, डगर डगर पे पासवर्ड है। अभी हमको चेक करना है कि सिस्टम इन्फॉर्मेशन में हार्ड ड्राइव है या नहीं, प्रोसेसर है, SSD कहाँ है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, इसमें तो नहीं दिख रहा है कहाँ होगा। अबे यार मतलब साटा कहाँ गया, अच्छा हाँ
हाँ दिख रहा है, देखिए बेसिकली ड्राइव ज़ीरो, दो साटा इंटरफेस है लेकिन साटा वन डिजेबल है बेसिकली, वो सी डी रोम के लिए होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 250 GB हार्ड डिस्क डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में SSD है, हार्ड डिस्क डिटेक्ट कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये SSD है और इसको अब हम इस पर एलिमेंट्री OS चढ़ाएंगे, और उससे पहले हम सारा स्क्रू टाइट कर लेते हैं और इसको चार्ज में लगा देते हैं क्योंकि ज़रूरी है, समझ रहे हैं ना बात। इसके बाद हम एलिमेंट्री OS इस पर इंस्टॉल करेंगे। तो लैपटॉप का सारा मतलब स्क्रू लगाने के बाद ये रहा हमारा HDD हार्ड डिस्क, मतलब लैपटॉप हार्ड डिस्क। उसके बाद हम लोग बेसिकली ये लगा चुके हैं USB मतलब, और उसके बाद हम पावर ऑन करेंगे और उसके बाद हम लोग अभी इसमें इंस्टॉल करेंगे फ्रेश एलिमेंट्री OS, ठीक है। तो ये F12, ठीक है। उसके बाद आ गया यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया आर्च, और आर्च के नीचे ये पहले आर्च को हमको डिजेबल करना पड़ेगा भाई। चलो इसको पहले डिलीट मारते हैं, ठीक है। तो इसको डिलीट मारा जाए बूट सीक्वेंस में, इसको मैनुअली डाले थे आर्च को मैनुअली डाले थे ना, वाइट क्यों दिख रहा है, आर्च को हम मैनुअली डाले थे, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, इसके बाद अप्लाई, उसके बाद एग्ज़िट, और ये ऑटोमेटिक रिबूट होगा हमारे USB ड्राइव से, और हम लोग देखेंगे कि वो कितना मतलब क्या प्रॉब्लम है भाई। चलिए आ गया टेड है, क्या था वो अभी ये रहा एलिमेंट्री OS। इसका लोगो लेकिन गजब का है, मतलब गर्दा इंस्टॉल और ट्राई और इंस्टॉल में से हम लोगों को क्या करना है, ऑफकोर्स इंस्टॉल करना है। चलो इंस्टॉल पे क्लिक किया जाए इंग्लिश सेलेक्ट करके, उसके बाद US और ये US, ओके कंटिन्यू। वायरलेस से कनेक्ट करना है तो इसमें मेरा 5G कहाँ दिख रहा है भाई, ये रहा 5G 5 GHz का वाईफाई कनेक्ट, और इसमें पासवर्ड डालना है, तो पासवर्ड जो भी है हम डाल देंगे, ना कनेक्ट हो गया। अब कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक्स एंड वाईफाई हार्डवेयर एंड एडिशनल मीडिया फॉर्मेट्स, ऑफ कोर्स इंस्टॉल कीजिए जी, आपको जो करना है कीजिए, कौन रोक रहा है आपको। तो यहाँ पे पूछ रहा है इरेज डिस्क और इंस्टॉल इनक्रिप्ट द न्यू एलिमेंट्री इंस्टॉलेशन फॉर सिक्योरिटी, उसके बाद है द VLM विद न्यू एलिमेंट्री इंस्टॉलेशन समथिंग एल्स। तो पार्टीशन बनाए क्या, नहीं पूरा का हार्ड ड्राइव दे देते हैं, क्या ज़रूरी है, वैसे भी मेरे पास एक्सटर्नल है 1 TB साला, कितना लेंगे हम स्टोरेज के लिए, मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ता वैसे भी। चलो इंटायर डिस्क विथ इनक्रिप्शन इनेबल करें क्या, चलो इनक्रिप्ट द न्यू एलिमेंट्री इंस्टॉलेशन फॉर सिक्योरिटी, उसके बाद है द VLM विद द न्यू एलिमेंट्री इंस्टॉलेशन, दिस विल सेट अप लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट, इट अलाउ टेकिंग स्नैपशॉट एंड ईजियर पार्टीशन रिसाइजिंग, ओके चलो ठीक है। उसके बाद चूज सिक्योरिटी की, ये बेसिकली इनक्रिप्शन की होगा, ठीक है। तो हम इनक्रिप्शन की डाल दिए हैं,
थोड़ा छोटा है लेकिन चलेगा, क्योंकि ट्रिपल लेयर का पासवर्ड ओवरराइट एम्प्टी डिस्क स्पेस, नहीं ओवरराइट नहीं करना है भाई। वाई क्यों ओवरराइट करोगे, उसमें टाइम लगेगा, ओवरराइट करने में टाइम लगता है, ओवरराइट करने में टाइम लगता है डिस्क स्पेस। हालांकि ये तो जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसमें स्पीड ज़्यादा होगा एसएसडी में, लेकिन फिर भी। उसके बाद है राइट चेंजेस टू द डिस्क, उसके बाद है एलवीएम वीजी एलिमेंट्री वीजी स्लैश रूट स्वॉप नहीं चाहिए हमको भाई। अरे यार तुम स्वॉप ले रहे हो मतलब भद है, स्वॉप पार्टीशन नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अब ले रहा है तो लेने दो, क्या जाता है। उसके बाद इसमें हमको चाहना है कलकत्ता, आ गया कलकत्ता, देखो कोलकाता बंगाल। मेरा नाम मत पूछो भाई, मेरा नाम है क्या नाम है DDS, चलो ये अच्छा नाम है, इंस्पुरान 43467। कंप्यूटर्स नेम भी DDS, यूज़र नेम हम कुछ और डाल देते हैं, क्या डाले यूज़र नेम, पासवर्ड देखते हैं पहले हम ये स्टेप करके उसके इंस्टॉलेशन फाइल कॉपिंग। अभी यार गर्दा तरीके से कॉपी हो रहा है, इतना स्पीड से आज तक हम किसी सिस्टम को कॉपी होते नहीं देखे हैं, मतलब गर्दा, मतलब इतना जल्दी हो जाएगा गजब यार, पहली बार मतलब क्या था ये, व्हाट इज़ दिस, मतलब अभी दिख भी नहीं रहा है क्या था ये। एक टीवी का था लेकिन किसी काम का नहीं, मतलब स्पीड के मामले में। खैर छोड़ो, इसको रखेंगे स्टोरेज के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है इंस्टॉलेशन इज कम्प्लीट, यू नीड टू रीस्टार्ट द मतलब कंप्यूटर। पता है मतलब अजीब है, मतलब इतना इजी तरीके से इंस्टॉल हो गया, नॉर्मली इतना इजी तरीके से होता नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल। मेरे ख्याल से ये नॉर्मल यूज़र्स के लिए ना एलिमेंट्री वैस, तो इसलिए मतलब आसानी से इंस्टॉल हो गया, नहीं तो सबसे डिफ़िकल्ट है आर्च लिनक्स इंस्टॉल करना है। जो इंस्टॉल कर लिया समझ जाओ जीनियस है, बैंड बज जाता है। रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडिया एंड रिबूट, ओके देन चलो रिमूव किया जाए, हो चुका है रिमूव। अब एंटर मारे क्या, नहीं एंटर मारने से कुछ नहीं होगा ना, चलो पावर बंद करते हैं इसका, पावर कट, और इसको पावर ऑन करने के बाद होपफुली बूट करना चाहिए, नहीं बूट किया तो मेरा बैंड बच जाएगा। बूट कर जियो भाई, बूट कर कर कर, जल्दी बूट हो जा, आना यार लोगो। अच्छा डेला, ये काम कर गया, SDA3 क्रिप्ट ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे हम अपना नहीं फुल डिस्क इनक्रिप्शन का पासवर्ड डालेंगे, और ये डिस्क इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट हो गया, अब ये बूट करेगा। अरे भाई क्या स्पीड था वो, कसम से बोलते हैं यार इतना फास्ट हम कभी बूट होते नहीं देखे हैं, मतलब पासवर्ड डाले डिस्क इनक्रिप्शन का, एक फटाक से बूट हो गया, गजब है भाई, मतलब अमेजिंग। अबे यार क्या स्पीड है, तब गजब, थैंक यू, वेलकम टू द एलिमेंट्री ओएस। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ, वेलकम टू एलिमेंट्री ओएस, कंटिन्यू टू सेटअप सम यूजफुल फीचर्स, विजिट द लिंक्स बिलो टू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट बेसिक गाइड कम्युनिटी सपोर्ट गेट इन्वॉल्व। किसको चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, चलो नेक्स्ट। लोकेशन सर्विस, लोकेशन चलो इनेबल रखते हैं, नेक्स्ट। नाइट लाइट, ऑफ कोर्स नाइट लाइट चाहिए भाई, इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। उसके बाद है हाउस कीपिंग, टेम्पररी फाइल ऑटोमेटिक डिलीट, ऑफ कोर्स टेम्पररी फाइल और ट्रैश तुम ऑटोमेटिक डिलीट कर सकते हो। गेट सम मोड एप्स, नहीं नो थैंक्स। उसके बाद रेडी टू गो फिनिश, चलिए बूट हो गया। पहले हम चेक करेंगे इसका डिस्क फाइल्स, वाह यार क्या स्पीड है यार, गर्दा मज़ा आ गया। इसमें था क्या डिस्क ना, डिस्क, अरे यार इसमें तो है ही नहीं, मतलब चलो इंस्टॉल करना पड़ेगा सब कुछ। पहले इंटरनेट से कनेक्ट, इंटरनेट से कनेक्टेड है,
तो यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे, सूडो स्विच यूज़र, नहीं, चलो सूडो इससे काम चला लेते हैं, सूडो एप्ट गेट इंस्टॉल, स्पेलिंग सही है ना, जी पार्टेड, चलो पासवर्ड अनेबल टू लोकेट पैकेज, वाई जी, अरे यार स्पेलिंग हम गलती कर दिए हैं, आर छोड़ दिए हैं, अब ट्राई मारते हैं, आ गया, चलिए इंस्टॉल हो जाए। ए यार क्या बात है भाई, मतलब हो भी गया, चलो अच्छी बात है। जी पार्टेड, ऑफ कोर्स ये पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद A3C6E30, ओके। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है 231.6763 GB, चूँकि ये ड्राइव इनक्रिप्टेड है तो बेसिकली इसका रियल साइज़ नहीं दिखाएगा, मतलब कुछ पता करना इम्पॉसिबल है। एक बूट है, एक EFI है, एक बूट है, एक EFI है, हमको एक चीज़ इसमें सॉप होगा, लेकिन सॉप एलिमेंट्री वेस के ओरिजिनल वाले में ही ले लिया होगा, हमको एक पक्का यकीन है। पूरा अनयूज्ड अनयूज्ड 48 MB दिखा रहा है ना, लेकिन एक्चुअली में अनयूज्ड बहुत सारा है, ठीक है, ये इनक्रिप्टेड डिस्क है ना, तो पूरा डिस्क इनक्रिप्ट हो जाता है, तो मतलब 100% यूजर्स दिखाने लगता है, मतलब नॉर्मल दिखेगा नहीं कि मतलब कितना है। तो चलिए इंस्टॉल हो चुका है हमारा सिस्टम, टनाटन चल रहा है, इसमें कन्फिगर करेंगे, थोड़ा इधर उधर देखेंगे, क्रोम व्रोम इंस्टॉल करेंगे, और तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।